राम राम दोस्तों, आज फिर स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम पहुंच चुके हैं डेरा बाबा नानक, करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान एंट्री करनी। आज पाकिस्तान जाने का पहला मौका है और मैं खुश हूँ पाकिस्तान जाने का मौका मिल रहा है भाई। और मैं रात में चला था चंडीगढ़ से, ठीक है। पूरा होटल अटल की कोई वो व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लोग अमृतसर आए हैं। अगर किसी ने एक दिन पहले आना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ भाई, ये है अपना डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। अपना इंडियन टर्मिनल है एक साइड, ठीक है। और डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है ना, वो भाई बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं रात ने 1:30 बजे आया था और बढ़िया स्टे मिल गया, ठीक है भाई। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों ने मिल के बनाया है सिख पिलग्रिमेज खातर। जो सिख है अपने, उनकी जो आस्था है गुरु नानक देव जी का, जो एक पवित्र स्थान है करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है। एक बार तो और कहना चाहूँगा, आओ तो कदे भी आओ, तो बस में नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, अगर आ सकते हो तो गाड़ी में आइए यार। क्योंकि एक जो वीज़ा है ना, यो जो मतलब एंट्री है पाकिस्तान की, वो एक दिन की है। तो क्यों ना यार, अगर एक दिन जाने का मौका मिल रहा है तो ढंग से उसने एक्सप्लोर किया जाए। टाइम होया है भाई 7 बज गए और एंट्री मेरे ख्याल में शुरू होगी होगी 8। तो जो बस जा है वो 8 बजे लेके जाए हैं यात्रिया ने, लेकिन मैं जो है एंट्री अपनी गाड़ी सीधा टर्मिनल पहुंच गए भाई, इंटरनेशनल टर्मिनल पे। ये अपना पीछे जो है ना ऊपर, अभी तो धुंध पड़ रही है, देख नहीं सकोगे। पीछे तो है अपना भारत का डंडा और ये पीछे है टर्मिनल, बॉर्डर पहुंच गए। इसके पीछे पासली साइड जो है इमिग्रेशन चेक पॉइंट सारा कुछ करा के अपना इस टर्मिनल में, और आप अलीगढ़ जाएंगे। तो एक फीलिंग है अलग वाली। बॉर्डर खड़ा हूँ मैं और यूँ मान के चलो इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया कंप्लीट, और ये मेरे पीछे बॉर्डर, और आप चले पाकिस्तान। बाय बाय इंडिया और वेलकम टू पाकिस्तान, एक फील है। यस, या जो फील है ना भाई, एक फिल्म नारी फील है। हेलो जी, मैं फिर ठीक है। इवन मसाला अपने इमिग्रेशन पॉइंट तक तो भाई ये पहुंच गया अपा टर्मिनल इस पे, इनके इमिग्रेशन पॉइंट पे। और तक करवाने हैं अपने डॉलर चेंज, या पीछे जो है मेरे ये डॉलर वाली है। तेजेंद्र जी, मेरे साथ एक शख्स आए हैं, क्या हाल है? ठीक है, मजा आ रहा है। किसी फील है, मतलब पाकिस्तान वाली फील आ रही है, पाकिस्तान वाली क्यूरियोसिटी या हाँ। अरे भाई डॉलर चेंज हो गए, ठीक। और ओड़े जो है रसीद कटेंगे अपनी, जो अपनी $20 की रसीद है वो कटेगी उड़े 2000। पासपोर्ट बस ये स्लिप कटवाई थी $20 की, इस खातर तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो ये कटवाया अपन ये जो करेंसी एक्सचेंज करवाई, पाकिस्तानी करेंसी ली है मैंने, उसमें अपन जो है पासपोर्ट की जरूरत पड़गी, तो पासपोर्ट दे दिया भाई ने। मुझे रिकॉर्डर तो रखेंगे थोड़ा था हमने। लो जी, अब मेरे पीछे है पाकिस्तान टर्मिनल इमिग्रेशन पॉइंट,
अड्डा इमिग्रेशन करवाना है अपने और फिर चलना है अपने पर लगानी शटल बस चला रखी है बताओ। बाकी भाई $20 फीस जो है ना, फीस वाजिब है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कराया है वाजिब है फीस, मैं फीस सपोर्ट करूँगा। ठीक है, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको भी बदले में कुछ उसके लिए करना चाहिए, फ्री में कोई चीज़ नहीं आती भाई। ठीक से, और ये देखो मेरे पीछे जो यात्री आए अपने इंडियन साइड से, पैदल भी आ सको हो, जो इमिग्रेशन पॉइंट है गेट से थोड़ी सी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। ऐसे ही जो इंडियन टर्मिनल है उस तय जो गेट है वो भी बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थोड़ी दूर है, तो आराम, मैं जो सलाह दूंगा जल्दी आओ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और पैदल आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे हैं भाई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम जी। पासपोर्ट? पासपोर्ट मैंडेटरी तो नहीं था? पासपोर्ट है मैंडेटरी तो आप ले रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आधार कार्ड भी मेरे पास चल जाएगा वही ना? अच्छा अच्छा, नहीं वो तो कोई बात नहीं, स्टैंप लगाओ चाहे ना लगाओ अपने कौन सा दिक्कत है। फिंगर भैया है टर्मिनल, इमिग्रेशन की एग्जिट होगी, इमिग्रेशन करा लिया है पाकिस्तान का अपन है, या बस है शटल जो अपन ले जाएगी दरबार साहब तक, और इस बस में चलना है। अस्सलाम वालेकुम जी। Thank you.